लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी एंड चेल्सी, तो यार चार में से तीन टीम तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट सीजन भी बहुत आराम से ये टॉप फोर निकाल लेगी। तो एक स्पॉट खाली है, एक स्पॉट के लिए यार काफ़ी टीम्स हैं, काफ़ी ज़्यादा टीम्स हैं। टॉटनम है, कितना अच्छा मतलब परफॉर्मेंस रही है टॉटनम की इस सीज़न अंडर कॉन्टे। आर्सेनल कितना ज़्यादा अच्छा खेली अंदर आर्टेटा। अब इन इन दो टीम्स पर, इन दोनों का ज़्यादा रहता है, वरना और भी टीम्स हैं। कभी कभी लेस्टर सिटी भी आ जाती है इस टॉप फोर में, कभी कभार वेस्ट हैम भी, कितना अच्छा सीज़न गया वेस्ट हैम का ये सीज़न। तो मेरे ख्याल से तीन चार टीम में से एक स्पॉट खाली है, और वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को अगर अपना बनाना है वो स्पॉट, तो अगेन जो मैंने बोला तीन साइनिंग ही करो, बट वो क्वालिटी साइनिंग करो। सो आज मैं बात करने वाला हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड की। कुछ सालों से एक मिड टीयर क्लब रह गया है, टॉप फोर निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे क्लब के लिए। वी ऑल नो कितनी बड़ी हिस्ट्री है यूनाइटेड की, कितना बड़ा क्लब है यूनाइटेड, मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो इस समय यूनाइटेड से ज़्यादा, मैनचेस्टर यूनाइटेड से ज़्यादा मेरे ख्याल से किसी को भी ज़रूरत नहीं है साइनिंग्स की। राल्फ रांगनिक ने ऑलरेडी बोल रखा है, स्टेटमेंट दे रखी है, 8 to 10 प्लेयर्स, वी नीड टू साइन 8 to 10 प्लेयर्स। और ट्रांसफर विंडो भी खुल चुकी है प्रीमियर लीग की, और कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा। हर चीज़ ऐसा दिख रहा है कि डीले होता जा रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है डीले हो क्यों रहा है। यूनाइटेड जैसी टीम डीले कैसे कर सकती है जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है साइनिंग्स की। एक दो साइनिंग की नहीं मैं बोल रहा, कम से कम तीन से चार, कम से कम तीन, मिनिमम तीन साइनिंग्स तो इनको करनी ही पड़ेगी फॉर मतलब अगर इनको टॉप फोर के लिए फाइट करनी है, जस्ट टॉप फोर के लिए। कुछ टाइम से जो अच्छी चीज़ हुई है यूनाइटेड के लिए, एक अच्छी चीज़ हुई है वो ये है कि एरिक टेन हाग उनका कोच है, एंड एरिक टेन हाग एक प्रॉपर मॉडर्न कोच है। कुछ आप एक्सपेक्ट करो ना करो इस सीज़न यूनाइटेड से, आपको एक चीज़ ज़रूर दिखेगी, वो है फिलॉसफी, एक गेम स्टाइल, एक गेम प्लान, जो कि यूनाइटेड में मेरे को बिल्कुल नहीं दिखता था कुछ पास सीज़न से। सो आज मैं जो बात करने वाला हूँ, मैं इनकी ट्रांसफर्स पे बात करने वाला हूँ जो एक रियलिस्टिक ऑप्शन है फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। ऐसे नहीं हवा में बोल दिया कि भाई ये ले आओ वो ले आओ, या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कौन बेस्ट रहने वाला है फ्रॉम रियलिस्टिक ऑप्शंस यूनाइटेड के लिए। सो आई लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पर उससे पहले मेरे को ये बात कोई क्लियर करी, यूनाइटेड क्यों इतना ज़्यादा मतलब वो कहते हैं जल्दबाजी, इनको जल्दबाजी की ज़रूरत भी है, जल्दबाजी क्यों करती हुई नहीं दिख रही यूनाइटेड ट्रांसफ़र विंडो में। आप देखो, आप इनके जो राइवल्स हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के, सिटी के पास हालैंड आ गया है। आप सोचो कितना, पहले ही कितना बड़ा गैप था और कितना बड़ा गैप हो गया है। लिवरपूल के पास डार्विन नूनेज आ गया है, अगेन गैप बहुत बड़ा था और बड़ा गैप हो गया है। सिटी और लिवरपूल को जो उन लोगों को इतनी साइनिंग की ज़रूरत नहीं थी यार, बिना हालैंड के भी मैनचेस्टर सिटी प्रीमियर लीग जीतती आ रही है, UCL में भी काफ़ी टॉप पे जा रहे हैं, हर बार जा रहे हैं, तो उन लोगों की इतनी ज़रूरत नहीं थी, बट यूनाइटेड को एक टॉप फोर क्लियर करने में बहुत प्लेयर्स की ज़रूरत है। एटलीस्ट जैसे मैंने बताया मिनिमम तीन प्लेयर्स की ज़रूरत है, और वो तीन प्लेयर्स ऐसे वैसे नहीं होने चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी के, एक बड़े बड़े नाम होने चाहिए। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि टॉप फोर क्वालिफाई करें, दैट्स इट। तो तीन चार प्लेयर्स की मैं बात करने वाला हूँ, उनमें से फर्स्ट इज़ फ्रेंकी डी योंग। मेरे ख्याल से आगे जो भी मैं बात करूँगा तीन और प्लेयर्स की, मेरे ख्याल से फ्रेंकी डी योंग तो इनकी प्रायोरिटी, और इनकी प्रायोरिटी है भी, इनकी दिखता है, वो दिख रहा है रिपोर्ट से, इनकी प्रायोरिटी क्लियर है एक मिडफील्डर, और मिडफील्डर में फ्रेंकी डी योंग। तो फ्रेंकी डी योंग की जो साइनिंग है वो 80 to 100 मिलियन के बीच में कहीं भी हो सकती है, एंड एरिक टेन हाग काफ़ी कॉन्फिडेंट है फ्रेंकी डी योंग को लेके, एंड उनकी प्रायोरिटी है एक मिडफील्डर फ्रेंकी डी योंग। तो फ्रेंकी डी योंग, यार मैं फ्रेंकी डी योंग को बहुत ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ, बिकॉज मैं एक रियल मैड्रिड फ़ैन हूँ, एंड फ्रेंकी डी योंग को काफ़ी टाइम से देखता आ रहा हूँ, बार्सिलोना से भी और आयक्स से भी, जब आयक्स ने रियल मैड्रिड को बाहर किया था। तो फ्रेंकी डी योंग का मुझे काफ़ी ज़्यादा पता है। तो सबसे पहली बात जो मेरे को लगती है, फ्रेंकी डी योंग का जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल पे वो खेल ही नहीं पाया है बार्सा के करियर में, जब से वो बार्सिलोना में आया है। कुछ मोमेंट्स उसके काफ़ी रहे हैं, काफ़ी मैचेस उसके अच्छे रहे हैं, बट स्टिल एक वो कंसिस्टेंट रन वो शो नहीं कर पाया है बार्सा में। एंड उसकी ये स्टेटमेंट भी है कि नीदरलैंड से मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ बिकॉज ऑफ पोजीशन, बिकॉज वो जिस पोजीशन पे वो नीदरलैंड्स में खेलता है और जिस पोजीशन में वो बार्सिलोना में खेलता है, दोनों डिफरेंट पोजीशंस होती हैं। बेसिकली मेरा पॉइंट ये है, फ्रेंकी डी योंग को टू पिवट, जो दो पिवट वाला रोल होता है ना, वो उसकी पोजीशन है, जो नेचुरल पोजीशन है उसकी। एंड एरिक टेन हाग बहुत अच्छे से जानता है फ्रेंकी डी योंग को, जब वो बार्सिलोना में जब उन्होंने नया ट्राई किया था
फ्रेंकी डियोंग के साथ नई पोजीशन ट्राई कर रहे थे, तो एरिक टेनहाग ने तब भी ये स्टेटमेंट दी थी कि उसका जो गेम, जो नेचुरल गेम प्ले है, जो नेचुरल उसका जो गेम है जिसमें वो ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ेगा ऑन द पिच, वो है उसकी जब वो टू पिवट में, उसका जो दो पिवट वाला जो रोल होता है उसमें उसको रखो, वो ज़्यादा आपको गेम में दिखेगा, इन्वॉल्व होते हुए दिखेगा और क्लास एक अलग ही दिखेगी फ्रेंकी डियोंग की ऑन दैट पोजिशन। एंड जब वो अपने नेचुरल पोजिशन में खेलता है, मतलब दो पिवट जैसे मैंने आपको बताया, उसके साथ एक प्लेयर चाहिए होता है, तो उसमें उसकी आप डिफेंसिव ड्यूटीज़ भी बहुत अच्छे से दिखती हैं, वो काफ़ी अच्छे से फॉल बैक करता है, मतलब प्रॉपर अपना वो गेम शो करता है उस पोजिशन पर। एंड उस पोजिशन से वो मिड का जो पेस होती है, मिड की जो पेस होती है, मिड को कंट्रोल करता है, मिड को संभालता है उस पर्टिकुलर पोजिशन से, तो उसका गेम ही वही है। एंड बारसा में उसे क्या खिलाया जा रहा था, बारसा में उसको ऐसा एडवांस नंबर 8 का रोल दिया गया था आगे, मतलब ऑफेंसिव वाइज उसका ज़्यादा काम दिया गया था, और उसका जो नेचुरल जिसमें वो कम्फर्टेबल है, मेन बात जिसमें वो कम्फर्टेबल है, वो पोजिशन उसको नहीं दी गई। मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो मिड है सबसे मेरे को बेकार लगता है, अगर मैं टॉप 6 टीम्स की बात करूं प्रीमियर लीग में, टॉप 6 या टॉप 10 की भी मैं बात करूं, सबसे बेकार मेरे को लगता है मैनचेस्टर यूनाइटेड का मिड, तो उसमें फ्रेंकी डियोंग को डालना की इंक्लूजन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और मतलब प्रायोरिटी है, ये तो बंदा होना ही चाहिए। मिड संभालेगा, वो पेस संभालेगा, कंट्रोल अच्छा रखेगा मिड में, मतलब आपको दिखेगा, थोड़ा पोजिशन रखना शुरू करोगे। तो फ्रेंकी डियोंग की मेरे हिसाब से तो मस्त साइनिंग है, ये साइनिंग तो होनी ही चाहिए मिड की बात जब आती है। तो नेक्स्ट प्लेयर जो है, नेक्स्ट प्लेयर ही इज़ फ्रॉम आयक्स। आयक्स से तो आप समझ ही गए होगे, नहीं समझ नहीं गए होगे, क्योंकि वहाँ से दो प्लेयर्स लिंक हो रहे हैं, एक एंटनी एंड वन इज़ जूरियन टिम्बर। तो मैं बात कर रहा हूँ एंटनी की। तो जितना एनालाइज किया था विंग्स पे, टोटल बर्बाद है, बहुत ही एवरेज सीजन लगा मेरे को सैंचो का, और रैशफोर्ड तो बिल्कुल ही ख़त्म, बिल्कुल बर्बाद था। तो डेफिनेटली इनको आयक्स से एंटनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो एक प्योर क्वालिटी वाला प्लेयर है, स्किल्स, ड्रिबलिंग, एंड सबसे मेन बात वो ब्राज़ीलियन फ्लेयर वो अलग से ही प्रोवाइड करता है, और इससे भी ऊपर जो सबसे ज़्यादा है वो एनर्जी, जो वो एनर्जी डालता है विंग्स पर, वो मेरे को एनर्जी बिल्कुल भी नहीं लगती है, जैसे कि हमारा जो विनीशियस जूनियर है रियल मैड्रिड से, उसकी जो एनर्जी दिखती है वो अलग ही दिखती है विंग्स पर, भले वो गोल ना करे, भले वो कुछ भी ना करे, पर जो एनर्जी वो डालता है, वो एनर्जी बहुत ज़्यादा मिस मैं कर रहा हूँ यूनाइटेड में। सैंचो कभी बार लगता है वो, बट अगेन वो एवरेज, काफ़ी एवरेज लगा, एंड रैशफोर्ड तो बिल्कुल बर्बाद। तो अगेन एंटनी की भी साइनिंग मेरे हिसाब से तो मस्ट साइनिंग बन जाती है, क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं है विंग्स पे, एंड मेन बात जो है आपकी राइट विंग का जो इशू है वो सॉल्व ही हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा सिर्फ एक प्लेयर साइन करने से, एनर्जी भर के देगा, भर के। सो एक मिड में हो गया, एक अटैक में होगी साइनिंग, अब एक डिफेंस में भी इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि डिफेंसिव वाइज मेरे को इतना ज़्यादा, मतलब मैं एज अ न्यूट्रल फैन मेरे को लगता नहीं है, अगर मैं यूनाइटेड फ़ैन होता तो मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होता वरान और मैग्वायर की पार्टनरशिप देखकर, मतलब मेरे को वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। सेम विद लिंडलॉफ एंड वरान, मतलब एक और इनको साइनिंग की ज़रूरत है, डेफिनेटली ज़रूरत है, और वो मेरे हिसाब से दो नाम आ रहे हैं, एक है जूरियन टिम्बर एंड वन इज़ पाउ टॉरेस। यार मैं लालिगा को बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ बिकॉज आई एम अ रियल मैड्रिड फैन, तो लालिगा बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ, सारी टीम्स मतलब एक एक टीम को अच्छे से जानता हूँ, तो उसमें विलारियल का पाउ टॉरेस, बिलीव मी मैनचेस्टर यूनाइटेड को मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ज़रूरत है पाउ टॉरेस की। मतलब जूरियन टिम्बर को मैंने काफ़ी देखा है, एनालाइज किया है, मतलब वो काफ़ी एग्रेसिव है बॉल पे, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है बॉल रिट्रीव करने में, बट पाउ टॉरेस मेरे ख्याल से जो मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज़रूरत है इस समय, एक जो बहुत काम है ऑन द बॉल, बहुत ज़्यादा काम है उसकी, पहली बात उसकी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द बैक, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी है, लॉन्ग बॉल्स उसकी, मतलब ओवरऑल पैकेज जो डिफेंडर में होना चाहिए वो सब है उस पर, और जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं हर चीज़ है उसमें, ऑन फुट वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, प्रेशर मतलब बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, हर चीज़ है, तो मेरे ख्याल से तो यार पाउ टॉरेस ज़्यादा बेटर साइनिंग रहेगी मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। मतलब यार जूरियन टिम्बर मुश्किल से उससे 10-15 मिलियन ज़्यादा महंगा मिलने वाला है पाउ टॉरेस, तो यार फ्यूचर को देखते हुए और मैनचेस्टर यूनाइटेड के हिस्ट्री को देखते हुए टॉप 4 निकालना यार इतना आसान तो नहीं है प्रीमियर लीग में टॉप 4 निकालना। आप ये देखो, तीन टीम्स तो मेरे ख्याल से फिक्स ही हैं इस सीज़न भी, लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी एंड चेल्सी, तो यार चार में से तीन टीम तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट सीज़न भी बहुत आराम से ये टॉप 4 निकाल लेगी, तो एक स्पॉट खाली है, एक स्पॉट के लिए यार काफ़ी टीम्स हैं, काफ़ी ज़्यादा टीम्स हैं। टॉटनम है, कितना अच्छा मतलब परफॉर्मेंस रही है टॉटनम की इस सीज़न अंडर कॉन्टे। आर्सेनल कितना ज़्यादा अच्छा खेली है अंडर आर्टेटा। अब
इन दो टीम्स इन दोनों का ज्यादा रहता है, वरना और भी टीम्स हैं, कभी कभी लेस्टर सिटी भी आ जाती है इस टॉप फोर में, कभी कभार वेस्ट हैम भी, कितना अच्छा सीजन गया वेस्ट हैम का ये सीजन। तो मेरे ख्याल से तीन चार टीम में से एक स्पॉट खाली है, और वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को अगर अपना बनाना है वो स्पॉट, तो अगेन जो मैंने बोला तीन साइनिंग ही करो, बट वो क्वालिटी साइनिंग करो। एंड सबसे मेन बात, पाउ टॉरेस में मेरे को एक लीडर वाला रोल भी दिखता है, बिकॉज उसके पास वो क्वालिटीज इतनी है, वो अपने आप ही आपको रोल दिखेगा। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मैंने आपको बताया, उसके लॉन्ग बॉल्स, उसका वो कामनेस प्रोवाइड करना, ऑन फुट वो बहुत अच्छा, आप उस पर प्रेशर भी डालोगे बहुत आसानी से पासिस निकालता है। लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक है, उससे काफी ज्यादा एंगल्स खुल जाते हैं फ्रॉम दी बैक। तो मेरे ख्याल से यार पाउ टॉरेस अगर इस टीम में आ जाता तो पाउ टॉरेस के अलावा वरान खिलाओ, लिंडलॉफ खिलाओ, वरान जैसे कि बहुत इंजर्ड रहने लगा है, मैग्वायर खिलाओ, मैग्वायर को थोड़ी कॉन्फिडेंस की ज्यादा जरूरत है मेरे ख्याल से। तो पाउ टॉरेस एक मस्ट साइनिंग हो जाती है, पाउ टॉरेस, फ्रेंकी डी योंग और एंटनी, मेरे ख्याल से तीनों मस्ट साइनिंग हो जाती है अगर मैं कंसिडर करूँ टॉप फोर अगर निकालना है यूनाइटेड को, उनका अगर ये ऑब्जेक्टिव है इस सीजन, तो तीनों की तीनों मस्ट साइनिंग है। फ्रेंकी डी योंग बहुत ज्यादा आपको कामनेस प्रोवाइड करने वाला है, सेम विथ पाउ टॉरेस बहुत ज्यादा पीछे से कामनेस प्रोवाइड करने वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मैंने आपको बताया। एंड एंटनी आपको जो फ्लेयर देने वाला है वो आपके पास पूरे स्क्वाड में ऐसा कोई प्लेयर नहीं है। सिर्फ अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड ये तीन साइनिंग कर ले तो मेरे ख्याल से एक राइट डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगी मैनचेस्टर यूनाइटेड। एरिक टेन हाग तो आ ही गया है, ओवरऑल आपको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट ही दिखने को मिलेगी विद एरिक टेन हाग। तो यार बहुत ज्यादा ही मजा आने वाला है नेक्स्ट सीजन, मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या टॉप फोर निकाल पाएगी या फिर नहीं देखने में। सो यार दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई सी यू वेरी सून, थैंक यू।